अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद खान। आप देख रहे हैं job.space.pk। मेरे स्क्रीन पे आपको जो एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रहा है वो है नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस का, और इसमें 4395 वैकेंसी है। और इसके लिए जो तालीम रिक्वायर हो रहा है वो है मैट्रिक से मेडल से लेकर मैट्रिक एंड FFAC तक, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 मई है। और इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो इससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की नई नई जॉब की वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल होती रहे। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, ये कहाँ से आपको मिलेगा और ये इसके एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप वुमेन या माइनॉरिटी सबसे पहले जो नज़र आ रहा है, और पोस्ट NBS आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट नाम जो टॉप पर है वो लिखना होगा, तस्वीर लगानी है और एप्लीकेशन नंबर लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो हैबर हो या सिंध हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो। और इस एडवर्टाइजमेंट में इसकी अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो पते हैं वो लिखे हुए हैं, और उसी पते पे आपने उसको अरसाल करना है, और उन डिस्ट्रिक्ट और उनकी जो नंबर्स हैं वो भी यहाँ लिखे हुए हैं। और हर वैकेंसी के बारे में डिटेल से इधर इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। तो इसका जो एप्लीकेशन आप किस तरह हासिल करेंगे वो बहुत आसान तरीका है। तो आप पहले आप गूगल पे आए, गूगल पे आने के बाद आप www.nhmp.gov.pk एप्लीकेशन फॉर्म 2020 एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह एंटर फेस शो होगा। ये सबसे टॉप पे पहले पोजीशन पर है जॉब्स नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस, इस पर भी आप क्लिक नहीं करना है। फिर दूसरे नंबर पे है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, इस पर आप भी एंटर नहीं करना है। जो तीसरे नंबर पर आ रहा है, नज़र आ रहा है कैरियर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, इस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह मेन्यू ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये जो डाउनलोड लिखा हुआ है ये मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट है। और दूसरे नंबर पर है ये फॉर्म है, फॉर्म में मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कर दें। ओपन करने के बाद वही फॉर्म आपके सामने शो होगा, और इसके जमा कराने की तरीका वो है, आप इसको फिल करने के बाद या TCS या ACS या डाकखाने पर इसको भिजवाएंगे। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप इसको TCS या डाकखाने पे भिजवा सकते हैं। और यही इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है, इसकी कोई ऑनलाइन अप्लाई का तरीका नहीं है, ये बस इस फॉर्म को फिल करना है और भिजवाना है इसकी एड्रेस पे। और इसका जो एड्रेस है वो भी टॉप पे दिया हुआ है। तो यही मालूमात मैंने आपको दे दी है। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।